नमस्कार सभी को, मैं हूँ शाम्भवी सिंह सेंगर फ्रॉम अच्छा वाला कॉलेज। आप सबका स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी राज्यों का काउंसलिंग स्केड्यूल सामने आ रहा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग स्केड्यूल के बारे में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो लो MBBS फीस के मामले में काफी ऊपर आता है। यहाँ पर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एवरेज कैटेगरी के हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीस है ये 7.5 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की रहती है। हॉस्टल एंड अदर चार्जेस ज्यादा हैं, लेकिन 2023 के सत्र ने ऐसा आदेश दिया है कि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग के बारे में, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस में जो ओपन स्टेट हैं, जिस पर दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई से शुरू होंगे दोपहर 1 बजे से, और जो लास्ट डेट है वह 1 अगस्त को रात के 12 बजे तक दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्राइस है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1,000 रुपए है, SC ST के लिए 500 रुपए, और जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10,000 रुपए रखी गई है। और यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000, SC ST OBC के लिए 5,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको आज टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही देनी पड़ती है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी है, और साथ साथ यहाँ पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी उसी समय पूरी कर ली जाती है। छत्तीसगढ़ में राउंड 1 फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 या फिर मॉकअप राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सरकार जब्त कर लेगी, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। एक और बात आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हैं और वहां पर आप चॉइसेस फिल करते हैं, उसके बाद उसे लॉक और सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है आपको। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप उसे रीसेट करना चाहें तो विदाउट एनी चार्जेस आप उसे रीसेट करके जो भी आपके रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उन्हें कर सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट स्केड्यूल छत्तीसगढ़ का। सारे राउंड जो है वह ऑनलाइन होंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की तरह भी छत्तीसगढ़ में कॉलेज के कंट्रोल में कोई भी सीट नहीं होती है। ऐसे में अगर आप तक कोई भी इस तरीके का दावा पहुंचता है कि कम स्कोर पर भी आपको कोई श्योर शॉट वहां पर सीट दिला देगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको अप्लाई जरूर कर देना है काउंसलिंग में, और अगर मेरिट मैच करेगी तो कम फीस पर पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। राउंड 1 जो कि ऑनलाइन होगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से शुरू होंगे और 1 अगस्त को खत्म होंगे। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग साइमल्टेनियसली चलेगी। रिजल्ट जो है वह 6 अगस्त को आएगा। 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का 10 दिन का समय दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसी दौरान 17 अगस्त से पहले आपको स्क्रूटनी के बाद अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। बहुत जरूरी बात कि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होते हैं, और वह राउंड 1 के पहले होते हैं। ऐसे में जब राउंड 2 होगा तो राउंड 2 के लिए सीधे सीधे चॉइस फिलिंग की डेट खुलेगी, जो कि 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट 1 सितंबर से 2 सितंबर के बीच हो सकता है। फाइनल रिजल्ट 3 सितंबर को आएगा। स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वह 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चलेगा। एडमिशन प्रोसीजर 14 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच पूरा होगा, और राउंड 2 के बाद फिर मॉपअप राउंड होगा। यानी कि ऑल इंडिया कोटा में जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है उसको फॉलो नहीं किया है छत्तीसगढ़ ने। मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तो मॉपअप राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, जो कि 17 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर 21 सितंबर को रात के 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वह 24 सितंबर को आएगा। स्क्रूटनी प्रोसेस जो है वो 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर शाम के 5 बजे तक चलेगा, और एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है मॉपअप राउंड की वो 28 सितंबर को शाम 5 बजे तक की दी गई है। इसके बाद स्ट्रे मॉपअप राउंड होगा, तो स्ट्रे मॉपअप राउंड में जो काउंसलिंग है ये उसी समय आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी कि कितनी सीट्स बची हैं, और उसके हिसाब से वहां पर आपको चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल इसके लिए जो डेट है अलॉटमेंट की वो 29 सितंबर डिसाइड की गई है। चॉइस फिलिंग की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। स्क्रूटनी के लिए 29 सितंबर और 30 सितंबर 2 दिन का समय रखा गया है, और 30 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो जो स्ट्रे राउंड है छत्तीसगढ़ स्टेट का, ये भी ऑनलाइन होने वाला है। यानी कि सारे के सारे राउंड, जितने राउंड होंगे छत्तीसगढ़ में, सारे ऑनलाइन होंगे। तो ये जानकारी थी छत्तीसगढ़ काउंसलिंग से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 7.5 से 8 लाख रुपए है। 3 से 4 लाख रुपए के हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जरूर हैं, लेकिन 2023 के लिए ये मैंडेटरी नहीं रहेंगे।
तो दूसरे स्टेट से हैं, मेरिट अच्छी है आपकी, सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं, तो ऐसे में सजेस्ट करूंगी कि छत्तीसगढ़ को जरूर अप्लाई कर देना चाहिए और अप्लाई करने का एकमात्र मौका आपको राउंड वन में मिलता है। तो ये थी आज की अपडेट कैंडिडेट्स। आशा करती हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी आप सबको। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर आऊंगी और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।